और दोस्तों मैं आपका साथी कुलदीप पारमेघवाल आज हरियाणा जी के कारण हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात के दौरान तारीख है 25 जून 2021। आज का जो हमारा विषय है जिला रेवाड़ी, रेवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवाड़ी के उपनाम कौन कौन से हैं। पीतल नगरी, वीर सिटी और हीरो का लंदन। अब बात करते हैं रेवाड़ी की तहसील कौन सी है। बावल, कोसली तथा रेवाड़ी, ये क्या है इसकी तहसील है। बावन एससी के लिए विधानसभा की सीट रिजर्व है और यहाँ के कई बार एमएलए रह चुके हैं। एमएल रंगा जी हैं जो काफ़ी बार एमएलए रह चुके हैं और एमएल रंगा गुरु जम्बेश्वर जेजेयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ साक्षरता दर की। साक्षरता दर है 82.2% रेवाड़ी की साक्षरता दर है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो जनसंख्या घनत्व है 556 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 556 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। दूसरी बात हम बात करें यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व है ये जो सारे आंकड़े हैं 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। रेवाड़ी के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं संतोष यादव एक पर्वतारोही हैं जो पर्वतों पर चढ़ती हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जा चुकी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पहले हरियाणा के गैर काम ऋषि सीएम वीरेंद्र सिंह जो पहले गैर काम ऋषि सेम रह चुके हरियाणा के। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण में है भाई। रेवाड़ी को उद्योग चमड़ा उद्योग, पीतल उद्योग, हीरो होंडा तथा मोटरसाइकिल ये इसके प्रमुख उद्योग थे भी यहाँ। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कब चली भी, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन थी रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक के लिए हवाई 2015 में चली थी। रेवाड़ी से रोहतक 2015 में चली थी। और इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की पहली ट्रेन है रेवाड़ी से दिल्ली के लिए चली, कब चली गया 1800 रेवाड़ी के लिए दिल्ली से चली गई और 1833 में पहली बार हरियाणा की रेवाड़ी से लिए दिल्ली के लिए ट्रेन गई। अब बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन के मामले में, शिक्षा का जो मामला है तो वही एजुकेशन में है रेवाड़ी में। सबसे लॉर्ड कृष्णा
कृष्णा कॉलेज में। आईजीयू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, भैया भी रेवाड़ी में है। और तीसरी बात करते हैं, आईजीयू पहले एमडीयू का रीजनल सेंटर था और हरियाणा का अनुसंधान केंद्र अच्छे की मदद से पठाई के बावल में हुई। और यहाँ का जो प्रमुख केंद्र है रेवाड़ी में, यहाँ रेलवे का आवागमन ज़्यादा है। एजुकेशन में रेवाड़ी का अच्छा प्रदर्शन है। ये था रेवाड़ी छोटा सा दिन भाई।